ये कहानी स्कूल में फंसे ऐसे बच्चों की है जो धीरे धीरे जोंबी बन जाते हैं। अब ये बच्चे अपनी जान कैसे बचाएंगे और ये जोंबी वायरस कैसे फैला, चलिए देखते हैं इस कहानी में। तो कहानी की शुरुआत में हम एक लड़के जिंसू को देखते हैं, जिसे उसके स्कूल के बच्चे बुली करते हैं और उसे बहुत मारते हैं। तभी जिंसू को कुछ होने लगता है, वो अजीब तरह बिहेव करने लगता है, जैसे उसमें कोई पावर आ गई हो, और वो फाइट बैक भी अब करता है। लेकिन तभी वो छत से नीचे गिर जाता है और उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। हॉस्पिटल में जिंसू के पापा मिस्टर ली आते हैं। जिंसू अपने पापा से कहता है कि मैं उन बच्चों को मार दूंगा। जिंसू फिर से अजीब तरह बिहेव करने लगता है। तभी मिस्टर ली अपने ही बेटे को मार देते हैं। मिस्टर ली जिंसू को एक सूटकेस में बंद करके वहां से ले जा रहे थे कि तभी जिंसू का हाथ सूटकेस से बाहर आ जाता है और मिस्टर ली देखते हैं कि जिंसू अभी भी मरा नहीं है। अब कुछ दिनों बाद जॉनसन हाई स्कूल को दिखाया जाता है। स्कूल में मिस्टर ली एक टीचर की जॉब करते हैं। फिर हम एक लड़की हुंजो को देखते हैं। हुंजो को साइंस लैब में कुछ आवाज आती है। वहां पर उसे एक चूहा दिखाई देता है। हुंजो उसे पकड़ने लगती है कि तभी वो चूहा उसे काट देता है। वह चूहा कुछ अजीब तरह बिहेव कर रहा था। तभी वहां मिस्टर ली आ जाते हैं। अब जब मिस्टर ली को पता चलता है कि लड़की को चूहे ने काट दिया है, तो वो उस लड़की को पकड़ लेते हैं और रूम में ही बंद कर देते हैं। अब हम चोंगसान और उसके दोस्त को देखते हैं। तभी वहां पर ओंजो अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ आती है। ये चारों मिलकर चोंगसान के रेस्टोरेंट में जाते हैं। वहां पर वो मिस्टर ली के बारे में बातें करते हैं कि जब से उनका बेटा मिसिंग हुआ है, तब से वो अजीब तरह बिहेव कर रहे हैं और उनके पास से कुछ अजीब तरह की स्मेल भी आती है। अब अगले दिन हम सियोक को देखते हैं। सियोक देखता है कि बुली गैंग एक लड़के और लड़की को ले जा रहे हैं। तभी वहां पर सियोक आ जाता है। वो उन दोनों को बचा कर वहां से ले जाता है। अब हम देखते हैं कि मिस्टर पाक पढ़ा रही होती है कि तभी वहां पर हिंजू आ जाती है और वो बता देती है कि साइंस टीचर मिस्टर ली ने उसे रूम में बंद करके रखा था। अब सब उसे स्कूल की एक नर्स के पास लेके जाते हैं। नर्स उसे इंजेक्शन लगाती है। हिंजो की तबीयत बहुत खराब हो रही थी, वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी, इसीलिए उसे हॉस्पिटल में भेजा जाता है। अब मिस्टर पार्क मिस्टर ली के पास जाती है और उसे बता देती है कि हमने उसे हॉस्पिटल में भेज दिया है। तभी मिस्टर ली कहते कि हमें उसे हॉस्पिटल जाने से रोकना होगा, पर कोई भी मिस्टर ली की बात नहीं मानता। अब वहां पर पुलिस आ जाती है और मिस्टर ली को ले जाती है। अब हम देखते हैं कि नर्स को हिंजू ने काट दिया था। अब वो भी अजीब तरह बिहेव करने लगती है। अब दो लड़के नर्स को देखते हैं और उनकी वीडियो बनाने लगते हैं कि तभी हम देखते हैं कि नर्स जोंबी बनने लगती है। वो एक लड़के को भी काट देती है और वो लड़का भी जोंबी बन जाता है। धीरे धीरे इसी तरह सभी बच्चे जोंबी बनने लगते हैं। अब हम स्कूल की टॉपर नामरा को देखते हैं। वो पूरे फोकस के साथ पढ़ रही होती है। उसे नहीं पता था कि पूरा स्कूल जोंबी बन रहा है। तभी वहां पर जोंबी आ जाते हैं, लेकिन सियो को उसे बचा लेता है। अब हम देखते हैं कि ओंजुस चोंगसन से कहती है कि उसने सियोक को प्रपोज किया है। ये सुनकर चोंगसन का दिल टूट जाता है, क्योंकि वो भी ओंजू को पसंद करता है। तभी वहां पर जोंबी अटैक कर देते हैं। चोंगसन ओंजू को बचाकर वहां से ले जाता है। अब ये दोनों बचकर एक क्लासरूम में आ जाते हैं। वहां पर उनके बाकी के भी फ्रेंड्स थे और क्लासरूम को लॉक कर देते हैं। अब सियोक नामरा के साथ जोंबी से बचकर वहां से भाग रहा था कि तभी इन दोनों को एक सीढ़ी दिखाई देती है। वो दोनों उस सीढ़ी से अपने फ्रेंड के पास आ जाते हैं। अब इसके बाद हम उसी लड़की को देखते हैं जो हॉस्पिटल में पहुंच चुकी थी। उसे अभी तक होश नहीं आया था।
अब पुलिस स्टेशन में मिस्टर ली से पूछताछ कर रहे थे। मिस्टर ली बताते हैं, जब स्कूल के बच्चे उनके बेटे को बुली कर रहे थे तो उन्होंने अपने बेटे को ताकतवर बनाने के लिए एक चूहे पर एक्सपेरिमेंट किया। मिस्टर ली ने चूहे के हार्मोन्स निकाल कर अपने बेटे में इंजेक्ट कर दिए, जिससे उनका बेटा एक जोंबी बन गया, लेकिन पुलिस को उन पर विश्वास नहीं हुआ। इधर हॉस्पिटल में उस लड़की को होश आ जाता है। वहां पर वो डॉक्टर्स को काटने लगती है और धीरे धीरे हॉस्पिटल में भी सभी जोंबी बनने लगते हैं। इधर स्कूल में जो बच्चे क्लास में छुपे हुए थे उनको फोन मिल जाता है। वो एमरजेंसी नंबर पर कॉल करते हैं और बताते हैं कि यहाँ पर जोंबी वायरस फैल चुका है, हम यहाँ पर फंस गए हैं, लेकिन कोई भी उनकी बात पर विश्वास नहीं करता। लेकिन थोड़ी देर बाद दूसरी जगह से भी कॉल आने लगती है, जिससे ये लोग एक्शन में आ जाते हैं। अब ओंजो फायर डिपार्टमेंट में कॉल करके अपने डैड को यहाँ आने के लिए कहती है। ओंजो के डैड एक फायर फाइटर थे। वह सब बच्चे बहुत डरे हुए थे, तभी वहाँ पर उनके टीचर भी आ जाते हैं। वो कहते हैं कि अभी तक उसे किसी ने नहीं काटा है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो भी जोंबी बन जाते हैं और एक लड़की को भी काट देते हैं और वो लड़की भी अब जोंबी बन जाती है। अब सभी बच्चे वहां से भाग जाते हैं, तभी उनके सामने और भी जोंबी आ जाते हैं। ये सभी बच्चे उन जोंबी से फाइट करते हैं। फाइट करते करते ये सब बच्चे एक रूम में आ जाते हैं। अब ये देखते हैं कि सीओ का तो बाहर ही रह गया है। इधर वॉशरूम में एक लड़का दो लड़कियों के साथ छुपा हुआ था, तभी मिंजी नाम की एक लड़की देखती है कि दूसरी लड़की को भी जोंबी ने काटा है, इसलिए वो उसे बाहर से लॉक कर देती है। धीरे धीरे वो लड़की जोंबी बन जाती है और उन पर हमला कर देती है कि तभी वहां पर एक लड़की लड़का आ जाते हैं और अपने तीर से उसे मार देते हैं। अब हम देखते हैं कि ओंजो सियोक के लिए बहुत परेशान थी, तभी वहां पर उसकी बेस्ट फ्रेंड आ जाती है और उसे हौसला देती है। अब ओंजो देखती है कि उसकी फ्रेंड के हाथ बहुत ठंडे थे। अब सारे बच्चे समझ जाते हैं कि उसे भी किसी जोंबी ने काट दिया है, तभी उसकी नाक से भी खून बहने लगता है और वो भी जोंबी बन जाती है और उन पर हमला कर देती है। च्योंगसन धक्का देकर उसे विंडो से बाहर फेंक देता है, लेकिन ओंजो उसे पकड़ लेती है। वो अपनी बेस्ट फ्रेंड को खोना नहीं चाहती थी, लेकिन च्योंगसन उसे स्टूल से मार कर नीचे गिरा देता है। ओंजो को बहुत दुख होता है और वो बहुत रोने लगती है। अब हम सियोक को देखते हैं, वो अभी तक ठीक था और जोंबी से छुपा हुआ था। अब जो बच्चे क्लास में थे वहां पर जोंबी अंदर आने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए ये सब बच्चे वहां से निकल कर दूसरे रूम में जाने लगते हैं। वहां पर उनकी टीचर मिस पार्क भी थी। अब च्योंगसन जब नीचे जा रहा था तभी जोंबी उस पर अटैक कर देते हैं, लेकिन एक जोंबी उसकी लात पकड़ लेता है। वहीं पर सियोक भी उसे देख लेता है और उसे बचा लेता है। अब ये दोनों बच जाते हैं और रूम में आ जाते हैं। अब रूम में एक लड़का लड़की में लड़ाई होने लगती है। मिस्टर पार्क दोनों को शांत कराती है, तभी वहां पर एक जोंबी रस्सी से लटक कर नीचे आ जाता है। सभी बच्चे बहुत डर जाते हैं, वो उसे अंदर आने से रोकते हैं। तभी एक लड़का सीपीयू उठाकर उसे मार देता है, जिससे वो जोंबी नीचे गिर जाता है। ये सब बच तो जाते हैं, लेकिन उस लड़के की नाक से खून आने लगता है। अब हम ओंजो के डैड को देखते हैं, जो किसी मिनिस्टर को रेस्क्यू करने के लिए आए थे। वहां पर भी एक आदमी जोंबी बन गया था, वह उसे चेयर से बांध देते हैं। इधर स्कूल में नायोन कहती है कि इस लड़के को भी जोंबी ने काट दिया है, लेकिन वो लड़का कहता है कि मुझे किसी ने नहीं काटा, ये तो सिर्फ एक मामूली जी खरोच है। लेकिन नायोन नहीं मानती, वो बहस करने लगती है। मिस पार्क उन्हें शांत कराती है और उस लड़के को कहती है कि तुम थोड़ी देर के लिए रिकॉर्डिंग रूम में बैठ जाओ। वो लड़का मान जाता है और रूम में बैठ जाता है।
इसके बाद हम च्योंगसान की मोम को देखते हैं। वो टीवी पर न्यूज देखती है कि सभी लोग जोंबी बन गए हैं। ये बात सुनकर वो स्कूल के लिए निकल जाती है। अब आधा घंटा बीत चुका था, लेकिन वो लड़का अभी तक जोंबी नहीं बना था। अब मिस पार्क उसे बाहर आने के लिए कहती है, लेकिन वो बाहर आने से मना कर देता है। अब सभी बच्चे नायोन से कहते हैं कि तुम्हें उससे माफ़ी मांगनी चाहिए। नायोन अंदर आके अपने रुमाल से उसकी चोट साफ करती है, लेकिन वो उससे माफ़ी नहीं मांगती और बदतमीजी से बात करती है। उस लड़की को बहुत गुस्सा आ जाता है। नायोन कहती है कि मैं सच बोल रही थी, देखो वो सच में जोंबी बन गया है। अब वो लड़का खुद ही बाहर जाने लगता है, क्योंकि वो अपने दोस्तों को चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। लेकिन वो बाहर निकलने से पहले ही पूरी तरह जोंबी बन जाता है और उन पर अटैक कर देता है। अब च्योंगसान उसे अपनी तरफ बुलाता है और विंडो से नीचे गिरा देता है। च्योंगसान अपने बेस्ट फ्रेंड के लिए बहुत दुखी हो जाता है। अब सभी बच्चे अपने फ्रेंड्स को खोने के लिए बहुत दुखी थे और रो रहे थे कि तभी नायोन उन्हें बुरा भला कहने लगती है। तो नामरा गुस्से में उसे एक थप्पड़ मार देती है और सबको बताती है कि इसने अपने रुमाल पर जोंबी का खून लगा लिया था और फिर उसकी चोट साफ करने के बहाने इसने जोंबी का खून उसकी चोट पर लगा दिया था, जिसके कारण ही वो जोंबी बन गया। सभी को नायोन पर बहुत गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से चली जाती है। मिस पाक भी उसके पीछे चली जाती है और उसे जोंबी से बचा लेती है। इधर च्योंगसान की मोम भी स्कूल पहुंच जाती है। वहां पर जोंबी उन पर अटैक कर देते हैं और वो भी जोंबी बन जाती है। अब हमें पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है। डिटेक्टिव मिस्टर ली से कहता है कि बाहर जो कुछ भी हो रहा है उसके जिम्मेवार तुम हो, और पूछता है कि इसका इलाज क्या है। तभी पुलिस स्टेशन के अंदर भी जोंबी आ जाते हैं और मिस्टर ली को काट देते हैं। मिस्टर ली डिटेक्टिव को बताते हैं कि स्कूल की साइंस लैब में मेरा लैपटॉप है और उसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन है, और इसके बाद मिस्टर ली भी जोंबी बन जाते हैं। स्कूल में सारे बच्चे रेस्क्यू टीम का इंतजार कर रहे थे, लेकिन कोई भी नहीं आता, तो वह चारों बाहर निकलने का सोचते हैं। अब च्योंगसान और सीओ को फ़ोन लेने के लिए नीचे जाते हैं, तभी जोंबी उन पर अटैक कर देते हैं, पर च्योंगसान वहां से भाग जाता है और सीओ भी रूम में वापस चला जाता है। च्योंगसान जोंबी से भाग कर एक रूम में पहुंच जाता है। वहां पर गुइनम प्रिंसिपल को मार रहा था। च्योंगसान उसकी वीडियो बना लेता है, तो गुइनम फ़ोन मांगता है पर वो फ़ोन नहीं देता और उनकी लड़ाई हो जाती है और च्योंगसान वहां से भाग जाता है। इधर सीओक रूम में वापस आ जाता है और बताता है कि हम दोनों अलग हो गए थे और अब सभी च्योंगसान के लिए परेशान हो जाते हैं। अब च्योंगसान गुइनम से बचता हुआ एक लाइब्रेरी में पहुंच जाता है, मगर यहाँ भी बहुत सारे जोंबी थे। गुइनम भी वहाँ आ जाता है। वहाँ पर दोनों के बीच फाइट हो जाती है। गुइनम च्योंगसान को नीचे फेंकने ही लगता है कि तभी च्योंगसान उसकी आँख फोड़ देता है और उसे नीचे फेंक देता है। जोंबी उसे खाने लगते हैं और च्योंगसान वहाँ से भाग जाता है। इधर ओंजो के डैड पॉलिटिशियन को रेस्क्यू करके कैंप में पहुंच जाते हैं। वहां पर उनको एक रूम में बंद कर देते हैं ताकि इन लोगों का टेस्ट कर सके कि कहीं ये लोग इन्फेक्टेड तो नहीं हैं। दूसरी तरफ हम गुइनम को देखते हैं, जिसको जोंबिस ने काटा था। वो जोंबी तो बनता है, लेकिन दूसरे जोंबी से कुछ अलग तरह का होता है। इसके बाद गुइनम फिर से च्योंगसान को मारने के लिए चला जाता है। अब इसके बाद हम अनाउंसमेंट रूम में सबको देखते हैं। वहाँ पर नामरा को एक आइडिया आता है कि हम आवाज़ से जोंबिस को दूसरी तरफ भेज देते हैं और इस रास्ते से च्योंगसान के पास चले जाएंगे। सबको ये आइडिया ठीक लगता है। अब वो अनाउंसमेंट करके च्योंगसान से कहते हैं कि हम तुम्हारी तरफ आ रहे हैं, तुम बस उस कमरे में ही रहना। लेकिन इनकी ये बातें गुइनम भी सुन लेता है।
इसके बाद ये लोग दूसरी तरफ स्पीकर पर म्यूजिक लगा देते हैं, जिसकी आवाज़ सुनकर जोंबी उसी तरफ जाने लगते हैं, जिससे उनका रास्ता साफ हो जाता है। अब ये लोग वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन वहाँ पर एक जोंबी उन पर अटैक कर देता है, लेकिन गुइनम उन्हें बचा लेता है। सुयुक उसे थैंक्स कहता है। उन्हें नहीं पता था कि गुइनम को भी जोंबिस ने काट लिया है। अब गुइनम सुयुक से कहता है कि चोंगसन कहाँ है, मुझे उसे मारना है। ये सुनकर दोनों के बीच फाइट होने लगती है। तभी वहाँ पर नामरा भी आ जाती है। वो गुइनम को रोकती है, लेकिन गुइनम उसे काट देता है। तभी सुयुक उसे धक्का देकर नीचे फेंक देता है। अब हम देखते हैं कि सभी बच्चे एक रूम में पहुंच जाते हैं। वो देखते हैं कि सुयुक और नामरा पीछे रह गए हैं, तो ये लोग उन्हें बचाने के लिए वापस जाते हैं। उसी कमरे में नायोन भी होती है, जो अब भी जिंदा थी। वह उसी रूम के स्टोर रूम में छुपी हुई थी। इधर ये सभी लोग सुयुक और नामरा के पास जाते हैं। तभी वहाँ पर जोंबिस भी आ जाते हैं और ये लोग फिर से रूम में वापस आ जाते हैं। तभी एक लड़की नामरा के हाथ पर काटने का निशान देखती है, जिससे सभी डर जाते हैं कि नामरा भी अब जोंबी बन गई है। इधर ओंजो के डैड अपनी बेटी को बचाने के लिए जाना चाहते थे, लेकिन कोई भी उन्हें जाने नहीं देता। तभी वहाँ पर कुछ मिलिट्री ऑफिसर खाना देने के लिए आते हैं, तो ओंजो के डैड उन्हें मार कर बेहोश कर देते हैं और उनकी ड्रेस पहनकर वहाँ से भाग जाते हैं। इधर स्कूल में चोंगसन नामरा को मारना चाहता था। तभी सुयुक उसे रोक देता है और कहता है कि इसे किसी जोंबी ने नहीं काटा है, बल्कि गुइनम ने काटा है। चोंगसन कहता है कि गुइनम को भी जोंबिस ने काटा था। ये सुनकर नामरा कहती है कि अब मैं भी जोंबी बन जाऊंगी और वहां से जाने लगती है, लेकिन सुयुक उसे रोक देता है और खिड़की खोल कर कहता है कि अगर नामरा जोंबी बनेगी तो मैं खुद उसे वहां से फेंक दूंगा। अब थोड़ी देर बाद हम नामरा को देखते हैं। उसकी एक आंख लाल हो गई थी और वो सुयुक को काटने ही वाली थी कि तभी चोंगसन ये देखकर उस पर हमला कर देता है, लेकिन सुयुक बीच में आ जाता है। तभी उन दोनों के बीच में फाइट होने लगती है। ओंजो उन दोनों को रोकती है और दिखाती है कि नामरा बिल्कुल ठीक है, लेकिन नामरा कहती है कि मैं ठीक नहीं हूँ, मुझे अजीब सा महसूस हो रहा है। नामरा फिर से वहां से जाना चाहती है, लेकिन ओंजो उसे रोकती है और कहती है कि हम लोग और अपने फ्रेंड्स को नहीं खोना चाहते। सुयुक नामरा को अपने हाथ से बांध लेता है और कहता है कि अब अगर ये जोंबी बनी तो तुम लोगों तक नहीं पहुंच पाएगी। ये सुनकर सब लोग शांत हो जाते हैं। अब ये लोग खाने की बातें करने लगते हैं, क्योंकि इन्होंने दो दिनों से कुछ नहीं खाया था। इधर नायोन जिस रूम में छुपी थी, वहाँ पर बहुत सारी खाने की चीज़ें थी। नायोन उनकी बातें सुनकर बाहर आने वाली थी, लेकिन तभी वो नायोन की बुराई करने लगते हैं और ये सुनकर नायोन बाहर नहीं आती। इधर ओंजो के डैड कैंप से भाग कर ओंजो को बचाने के लिए निकल रहे थे। मिलिट्री ऑफिसर उनके पीछे लगे हुए थे और उन पर फायरिंग कर रहे थे। ओंजो के डैड पानी में कूद जाते हैं और उन्हें गोली भी लग जाती है और वो पानी में ही डूबने लगते हैं। और तो अब हम देखते हैं कि ओंजो के डैड बच जाते हैं और पानी से निकल जाते हैं। अब हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर सुयुक नामरा को बता देता है कि वो उसे पसंद करता है और नामरा भी सुयुक से कहती है कि मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ। तभी हम देखते हैं कि नामरा की सुनने की शक्ति बढ़ जाती है। वो कहती है कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, यहाँ पर खतरा बढ़ रहा है। इसके बाद ये सब लोग यहाँ से निकलने का प्लान बनाते हैं। वह सब रूम को दो हिस्सों में बांटने लगते हैं, जिसके बाद ये लोग एक तरफ म्यूजिक बजा देंगे और जोंबी अंदर आ जाएंगे और खुद दूसरी तरफ से बाहर निकलकर छत पर पहुंच जाएंगे। इसी तरह वो अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने लगते हैं। सभी जोंबी अंदर आने लगते हैं और ये सब लोग दूसरी तरफ से बाहर निकल जाते हैं और छत की तरफ भागने लगते हैं।
लेकिन गुइनम भी चोंगसन को मारने के लिए इनके पीछे आ रहा था और जोम्बी भी रूम से बाहर निकलकर इनके पीछे आने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि रेस्क्यू करने के लिए एक हेलीकॉप्टर भी स्कूल की तरफ आ रहा था। इधर ये सब बच्चे छत के दरवाजे के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन वो दरवाजा दूसरी तरफ से लॉक था क्योंकि दूसरी तरफ एक लड़का छुपा हुआ था। सभी बच्चे बहुत ट्राई करते हैं लेकिन वो दरवाजा नहीं खोलता। इधर नामरा को जोम्बिस की आवाज़ आने लगती है। वो कहती है कि जोम्बिस हमारी तरफ ही आ रहे हैं। ये सुनकर सभी बच्चे जोम्बिस से फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। जोम्बिस अब वहाँ पर पहुँच जाते हैं। सभी बच्चे उनसे फाइट करते हैं। दूसरी तरफ कुछ बच्चे दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं लेकिन वो नहीं खुलता। वहीं छत पर रेस्क्यू टीम भी पहुंच जाती है। वो छत पर खड़े उस लड़के को बचा कर ले जाते हैं। रेस्क्यू टीम उस लड़के से पूछते हैं कि कोई और बच्चा तो नहीं है, तो वो कहता है कि सभी बच्चे जोम्बिस बन गए हैं, सिर्फ मैं ही बचा हूँ, तो वो उसे लेकर चले जाते हैं। इधर गुइनम भी छत की तरफ पहुँच जाता है। वो चोंगसन पर हमला करता है। चोंगसन भी उसे एक रोड से मारता है लेकिन उसे कुछ नहीं होता। तभी नामरा की आंख लाल हो जाती है और उसके अंदर पावर आ जाती है और वो भी गुइनम को उठाकर नीचे फेंक देती है। फिर हम देखते हैं कि दरवाजा भी खुल जाता है और वो लोग छत पर आ जाते हैं और देखते हैं कि हेलीकॉप्टर जा रहा है और ये देखकर वो निराश हो जाते हैं। दूसरी तरफ ओंजो के डैड जोम्बी से बचकर आगे बढ़ रहे थे। अब हम नायोन को देखते हैं। नायोन को एहसास होता है उसने सबके साथ बहुत गलत किया है। उसे याद आता है कि मिस पार्क ने उसे बचाने के लिए खुद की जान सैक्रिफाइस कर दी थी और जब वो जोम्बी बन रही थी तब वो कह रही थी कि तुम अपने दोस्तों के पास वापस चली जाना और उनसे माफ़ी मांग लेना। वो सबके लिए खाना लेकर जाने का सोचती है। जब वो खाना लेकर बाहर निकलती है तभी वहाँ पर गुइनम आ जाता है। गुइनम को भी बहुत भूख लगी थी। नायोन उसे खाना ऑफर करती है लेकिन वो नायोन को ही मारकर खा जाता है। वहीं दूसरी तरफ सभी बच्चे अपने दिल की बात कर रहे थे। तभी चोंगसन ओंजो को बता देता है कि वो भी उसे पसंद करता है। ओंजो ये सुनकर उठकर वहां से चली जाती है। चोंगसन उससे पूछता है कि क्या तुम मुझे पसंद नहीं करती, लेकिन ओंजो कुछ भी आंसर नहीं करती। दूसरी तरफ गुइनम नायोन को खाने के बाद छत की तरफ बढ़ने लगता है। वहीं ओंजो चोंगसन को दूर होने के लिए कहती है और फिर अकेले बैठकर रोने लगती है कि तभी गुइनम ऊपर आ जाता है। वो ओंजो को मारने लगता है। चोंगसन उसे बचाने के लिए भागता है लेकिन गुइनम चोंगसन को पकड़ लेता है और उसकी आंख को इंजर्ड करने लगता है। तभी ओंजो उसे पीछे से मारती है लेकिन गुइनम ओंजो को दूर पटक देता है। सुयोक भी गुइनम को रोकता है लेकिन गुइनम बहुत ताकतवर बन गया था। वह सुयोक को भी दूर फेंक देता है। सभी बच्चे मिलकर उसका सामना करते हैं लेकिन गुइनम सबको मार कर दूर फेंक देता है। तभी नामरा की आंख लाल हो जाती है। वो जलती हुई लकड़ी उठाकर उसे मारती है। अब दोनों में लड़ाई होने लगती है। वो ताकत में गुइनम के बराबर हो चुकी थी। वो गुइनम को उठाकर नीचे फेंक देती है और सबकी जान बच जाती है, लेकिन इतने ऊपर से गिरने के बाद भी गुइनम नहीं मरता। अब हम देखते हैं कि रेस्क्यू कैंप में एक जोम्बी को पकड़ लिया था। ये लोग जोम्बी की मदद से वायरस की जांच करते हैं लेकिन डॉक्टर को वायरस समझ नहीं आता। तभी एक ऑफिसर बताता है कि हमें एक डिटेक्टिव मिला है जो कि इस वायरस का एंटीडोट जानता है। डिटेक्टिव बताता है कि ये वायरस स्कूल के एक टीचर ने बनाया है और इसका एंटीडोट उसके लैपटॉप में है और लैपटॉप साइंस लैब में है। ये सुनकर कमांडर सोल्जर को हाई स्कूल जाने के लिए बोलते हैं और लैपटॉप लाने का ऑर्डर देते हैं। यही रेस्क्यू कैंप में वही लड़का अपनी फ्रेंड को देखता है। उसकी फ्रेंड कहती है कि मुझे भूख लगी है, तो उसका फ्रेंड उसे खाना देता है लेकिन वो लड़की कहती है कि मुझे तुम्हें खाना है।
वहीं स्कूल में हम देखते हैं कि रेस्क्यू टीम वहां आ जाती है। सोल्जर उन्हें चेक करते हैं कि कोई जोम्बी तो नहीं है। सभी का टेम्परेचर नॉर्मल आता है, लेकिन नामरा का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, पर उनको लगता है कि नामरा को फीवर होगा, इसीलिए वो उसे कवर करते हैं। इसके बाद सोल्जर उन्हें कहते हैं कि हम थोड़ी देर के लिए नीचे जा रहे हैं, तुम सभी यहीं पर वेट करो। ये सभी मिस्टर ली का लैपटॉप लेने के लिए आए थे। अब सोल्जर सभी जोम्बिस को मारते हुए लैपटॉप तक पहुंच जाते हैं और लैपटॉप लेकर वापस छत पर आ जाते हैं। कमांडर उन्हें ऑर्डर देते हैं कि अब बच्चों को वापस लेकर आ जाओ, लेकिन तभी एक आदमी भागता हुआ कमांडर के पास आता है और कहता है कि रेस्क्यू कैंप में एक हादसा हो गया है, वहां पर उसी लड़की ने सच में अपने फ्रेंड को खा लिया था। ये देखकर सोल्जर्स ने उसे पकड़ लिया है और टेस्ट करने पर पता चला कि ये लड़की भी इन्फेक्टेड है, लेकिन इसमें कोई भी सिम्टम्स नहीं दिख रहे थे। और इधर स्कूल में सोल्जर्स बच्चों को हेलीकॉप्टर में बिठा रहे थे, लेकिन तभी कमांडर सोचते हैं कि कहीं उन बच्चों में भी कोई इन्फेक्टेड तो नहीं, इसलिए कमांडर उन्हें ऑर्डर देते हैं कि उन बच्चों को वहीं छोड़कर लैपटॉप लेकर आ जाओ। सोल्जर्स ऑर्डर को फॉलो करते हैं और इन्हें वहीं छोड़कर जाने लगते हैं। सभी बच्चे बहुत मिन्नते करते हैं कि हमें भी प्लीज अपने साथ ले चलो, लेकिन सोल्जर इन्हें गोलियों से डराते हैं और वहां से जाने लगते हैं। सभी बच्चे बहुत दुखी हो जाते हैं और रोने लगते हैं। अब थोड़ी देर बाद बारिश भी होने लगती है। सभी बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन बिजली की आवाज़ से नामरा और गुइनाम के कानों को बहुत तकलीफ होने लगती है। तभी चोंगसन को आइडिया आता है कि जोम्बिस की ताकत अभी कम हो गई है, तो यही मौका है यहाँ से भागने का। सभी को ये आइडिया ठीक लगता है और ये सब नीचे जाने लगते हैं। इधर ये चारों भी वहाँ से जाने लगते हैं। चोंगसन और उनके दोस्त भी आगे बढ़ रहे थे, लेकिन तभी वहाँ पर चोंगसन की मॉम आ जाती है, जो कि जोम्बी बन चुकी थी। वो इन सब पर हमला करती है। चोंगसन अपनी मॉम को देखकर इमोशनल हो जाता है, लेकिन चोंगसन के दोस्तों को नहीं पता था कि वो चोंगसन की मॉम है। वो उनको बाकी जोम्बिस की तरह समझकर उन्हें मारने लगते हैं। चोंगसन ये देखकर अपने साथियों को मारने लगता है और कहता है कि उन्हें मत मारो, ये मेरी मॉम है। चोंगसन बहुत रोने लगता है और वो टूट जाता है। अब चोंगसन के रोने की आवाज़ सुनकर बाकी जोम्बिस भी आने लगते हैं, इसलिए ओंजो उसे उठाती है और अपने साथ ले जाने लगती है। यही मिंजी और हारी भी आगे बढ़ते हैं। इन्हें जोम्बिस दिखाई देते हैं, जो कि चोंगसन और उसके दोस्तों के पीछे पड़े थे। वहीं दो लड़कियां साथ में भाग रही थी, तभी एक लड़की गिर जाती है, लेकिन उसकी मतलबी दोस्त जोम्बिस को आता देख वहां से भाग जाती है। तभी एक लड़का वहां आकर उस लड़की को बचा लेता है। हारी भी अपने तीरों से जोम्बिस को मार देती है। हारी एक्चुअल में उस लड़के की बहन होती है। इधर वही मतलबी लड़की जो अपने फ्रेंड को छोड़कर भाग गई थी, वो अपने ग्रुप से अलग हो जाती है। जोम्बी उस पर हमला करके उसे भी मार देते हैं और वो भी जोम्बी बन जाती है। अब ये सभी बच्चे बचकर एक हॉल में पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पर भी बहुत सारे जोम्बिस थे जो कि उन पर हमला कर देते हैं। कुछ बच्चे उन जोम्बिस का शिकार भी हो जाते हैं और बाकी के एक रूम में पहुंच जाते हैं। दूसरी तरफ रेस्क्यू कैंप में कमांडर मिस्टर ली के लैपटॉप से उनकी रिकॉर्ड की हुई वीडियो देखते हैं। मिस्टर ली बताते हैं कि इस वायरस का कोई भी एंटीडोट नहीं है, इसे ख़त्म करने के लिए हमें जोम्बिस को जलाना होगा। अब सुबह हो जाती है। अब ये सभी बच्चे एक रूम में फंस चुके थे। यही ओंजो के डैड स्कूल की तरफ आ रहे थे। इधर गुइनाम चोंगसन को मारने के लिए छत पर पहुंचता है, लेकिन उसे वहां कोई नहीं मिलता।
इधर ये बच्चे रूम से बाहर निकलने का सोचते हैं। ये लोग अपने आप को कवर करके बाहर निकलते हैं और जोम्बी से मुकाबला करते हैं, लेकिन एक लड़की को जोम्बी पकड़ लेता है और लड़का उसे बचाता है, लेकिन जोम्बी उस लड़के को काट देता है। वो लड़का समझ जाता है कि अब मैं भी जोम्बी बन जाऊंगा, इसीलिए वो लड़का खुद ही बाहर चला जाता है और जोम्बी को हटाने लगता है और अपने फ्रेंड्स की हेल्प करता है। इधर ओंजो के डैड भी स्कूल की तरफ पहुंच चुके थे। अब सभी बच्चे दरवाजे के पास पहुंच जाते हैं और दरवाजा खोलने लगते हैं, लेकिन दरवाजा बाहर से बंद था। ये दोनों बहुत ट्राई करते हैं लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। तभी ओंजो के डैड वहां पहुंच जाते हैं और दरवाजा खोल देते हैं। ओंजो अपने डैड को सामने देखकर बहुत खुश हो जाती है और सभी बच्चे बाहर आ जाते हैं। ओंजो के डैड कहते हैं कि हमें पहाड़ की उस तरफ जाना होगा, तभी हम बच पाएंगे। तभी वहां पर भी जोम्बिस आने लगते हैं और उनको चारों तरफ से घेर लेते हैं। ये सब लोग जोम्बिस का मुकाबला करते हैं। ओंजो के डैड जोम्बिस को अपनी तरफ बुलाते हैं और सभी बच्चों को बाहर निकालते हैं। ओंजो अपने डैड के लिए बहुत परेशान थी। ओंजो के डैड चोंगसन से ओंजो को बाहर ले जाने के लिए कहते हैं और अपने आप को अंदर लॉक कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें भी जोम्बिस ने काट लिया था। ओंजो के डैड उन्हें वहां से भागने के लिए कहते हैं। अब जोम्बिस ओंजो के डैड को भी खाने लगते हैं। सभी बच्चे वहां से भाग जाते हैं और एक बिल्डिंग में आ जाते हैं, लेकिन वहां पर भी बहुत सारे जोम्बिस थे। ये लोग वहां एक जगह पर छुप जाते हैं। ओंजो अपने डैड के लिए बहुत दुखी थी। चोंगसन उसे गले लगाता है और हौसला देता है। वहीं ओंजो के डैड भी अब जोम्बी बन चुके थे। इधर गुइनाम भी चोंगसन को मारने के लिए उसे ढूंढ रहा था। वही कमांडर ने डिसाइड कर लिया था कि हमें पूरे शहर में बॉम्ब से विस्फोट करना होगा, तभी जोम्बिस खत्म हो सकते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि नाम्रा भी जोम्बी बन रही थी। वो सुयोग को काटने ही वाली थी कि तभी वो अपने आप को रोक लेती है और खुद को ही काट लेती है। ये देखकर सुयोग नाम्रा को शांत कराता है। तभी नाम्रा को बॉम्ब गिरने की अनाउंसमेंट सुनाई देती है। वो सबको बताती है कि पूरे शहर में बॉम्ब गिरने वाले हैं, इसलिए हमें यहाँ से भागना होगा। कमांडर ने बहुत सारे ड्रोन शहर की तरफ भेज दिए थे, जिनसे बहुत तेज आवाज आ रही थी, और आवाज सुनकर सभी जोम्बिस ड्रोन के पीछे भागने लगते हैं। दूसरी तरफ गुइना वहां पहुंच जाता है और चोंगसन को पकड़कर मारने लगता है और उसके हाथ पर काट भी देता है। तभी ड्रोन से निकलने वाली आवाज़ नाम्रा और गुइनाम को आने लगती है, जिससे वो लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते, तो मौके का फ़ायदा उठाकर चोंगसन गुइनाम को नीचे फेंक देता है। वहीं ड्रोन की आवाज़ से सभी जोम्बिस इकट्ठे हो गए थे और ये देखकर कमांडर वहां पर बॉम्ब गिरा देते हैं। दूसरी तरफ चोंगसन को गुइनाम ने काट लिया था और वो जानता था कि अब वो भी जोम्बी बन जाएगा। ओंजो चोंगसन को दिलासा देती है कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, तुम ठीक हो जाओगे। चोंगसन ओंजो को अपना नेम टैग देता है और उसे कहता है इसे हमेशा अपने पास रखना। चोंगसन के पास ओंजो का नेम टैग पहले से ही होता है और अब चोंगसन ओंजो को गले लगाता है और आखिरी गुड बाय बोलकर वहां से भाग जाता है। चोंगसन सभी जोम्बिस को अपनी तरफ बुलाता है। सभी जोम्बिस उसके पीछे आने लगते हैं। इससे बाकी सबका रास्ता साफ हो जाता है और ये सब लोग वहां से भाग जाते हैं। अब चोंगसन एक जगह पर खड़ा हो जाता है। जोम्बिस वहां तक नहीं पहुंच पाते और नीचे गिर जाते हैं। इधर गुइनाम अब भी नहीं मरा था और उठकर ऊपर आने लगता है और चोंगसन के पास पहुंच जाता है। चोंगसन उसे कहता है कि तुम खुद को हीरो समझ रहे होगे, लेकिन तुम एक फट्टू हो, और उन दोनों की लड़ाई होने लगती है। गुइनाम चोंगसन की भी आंख इंजर्ड कर देता है और अपना बदला ले लेता है। इधर कमांडर सभी जगह पर बॉम्ब गिरा देता है और बिल्डिंग में भी धमाका हो जाता है। चोंगसन और गुइनाम भी नीचे गिर जाते हैं।
कमांडर ये सब देखकर अंदर से दुखी हो जाता है, लेकिन अपने इमोशंस शो नहीं करता और अपने कैबिन में आ जाता है। वो एक वीडियो रिकॉर्ड करता है और अपनी वाइफ को भी कॉल करता है। इसके बाद कमांडर खुद को गोली मार देता है। इसके बाद हम उसी बिल्डिंग को देखते हैं, वो पूरी तरह खंडर बन गई थी। अब वहाँ पर कुछ भी नहीं बचा था, सभी जोम्बिस जल गए थे। सभी बच्चे अपने शहर को जलता हुआ देखकर बहुत दुखी हो जाते हैं। अब सुबह हो गई थी, ओंजो चोंगसन को देखने के लिए उसी बिल्डिंग में जाती है। नामरा और सुयोक भी उसके साथ जाते हैं, लेकिन उन्हें चोंगसन वहां पर नहीं मिलता। वो बहुत रोने लगती है। नामरा ओंजो को वहां से जाने के लिए बोलती है। इसके बाद ये सब लोग रेस्क्यू कैंप में जाने लगते हैं। तभी रास्ते में नामरा को जोम्बिस की आवाज़ें आने लगती है। अब सभी लोग जोम्बिस से मुकाबले के लिए रेडी हो जाते हैं। जोम्बिस वहां आ जाते हैं और ये लोग उन्हें मारने लगते हैं। तभी एक जोम्बी हारी को पकड़ लेता है। हारी का भाई अपनी बहन को बचाता है, लेकिन जोम्बी उसे काट देता है, जिससे वो भी जोम्बी बनने लगता है और अपनी ही बहन पर हमला कर देता है। तभी नामरा एक ही झटके से उसे मार देती है। सभी अपने फ्रेंड को खोने के लिए बहुत दुखी थे। अब सब वहां से जाने लगते हैं, लेकिन नामरा पीछे रह जाती है। नामरा को भूख लग रही थी, वो अपने फ्रेंड्स को ही खाना चाहती थी, लेकिन वो अपने आप को रोक लेती है और अपने ही हाथ को काट देती है और वहां से चली जाती है। ओंजो और सुयोक नामरा को ढूंढने के लिए वापस जाते हैं। तभी वहां उसे नामरा दिखाई देती है। वो एक मरे हुए जोम्बी को खा रही थी। नामरा का खुद पर से कंट्रोल हट चुका था और वो ओंजो पर भी हमला कर देती है। सुयोक उसे रोकता है, लेकिन वो नहीं रुकती। सुयोक उसे मारने लगता है, लेकिन वो नहीं मार पाता। नामरा किसी भी तरह खुद पर कंट्रोल करती है, क्योंकि वो अपने फ्रेंड्स को नहीं मारना चाहती थी। इसके बाद नामरा वहां से चली जाती है। ओंजो और सुयोक भी उसके पीछे जाते हैं, लेकिन वो नहीं दिखती। थोड़ी देर के बाद ये सब रेस्क्यू कैंप तक पहुंच जाते हैं। अब इन्हें भी बाकी सबके साथ क्वारंटीन कर लिया जाता है। अब 3 महीने बीत चुके थे, हालात अब ठीक होने लगे थे, जोम्बिस भी खत्म हो चुके थे, सभी लोग अपनी क्वारंटीन से बाहर आ गए थे। अब रात में ओंजो रेस्क्यू कैंप से भागकर जंगल में एक पेड़ के पास जाती है। वहां पर उसने अपने दोस्त जो मर गए थे उनके नाम रिबन पर लिखकर लगाए थे। ओंजो अब भी चोंगसन को मिस कर रही थी। अब वो वहाँ से जाने लगती है। तभी वो स्कूल की छत को देखती है, वहाँ पर कोई आग जलाकर बैठा था। ओंजो को लगता है कि शायद वो नामरा होगी। अब अगली सुबह ओंजो सुयोग के पास जाती है और उसे ये सब बताती है। वो रात को स्कूल की तरफ जाने का भी कहती है। उनके सभी साथी भी वहाँ आ जाते हैं। वो भी देखते हैं कि स्कूल की छत में कोई आग जलाकर बैठा है। ये सब लोग स्कूल में जाते हैं। पूरा स्कूल तबाह हो चुका था। अब सभी छत की तरफ जाते हैं, वहां इन्हें आग जलती हुई मिलती है। इसके बाद इनके सामने नामरा भी आ जाती है, जो अब भी जिंदा थी। सभी लोग नामरा को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। वो नामरा को अपने साथ जाने के लिए कहते हैं, लेकिन वो कहती है कि मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे जैसे और भी लोग हैं जिन्हें जोम्बिस ने काटा था, लेकिन उन्होंने अपने ऊपर कंट्रोल कर लिया था। नामरा कहती है, देखो वो सभी आ गए हैं, और फिर भागती हुई बिल्डिंग की छत से जंप कर देती है और ये देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। और ऑल ऑफ अस आर डेड के सीजन 1 की एंडिंग यही हो जाती है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
share and subscribe my channel.